लेटेस्ट जो इंसिडेंट हुआ है जिसमें चाइना ने सऊदी अरबिया और ईरान के बीच में बीजिंग के अंदर एक एग्रीमेंट मीडिएट किया, और एग्रीमेंट किया कि बेसिकली दोनों के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टेब्लिश करने का। ये रिलेशंस 2016 में टूट गए थे, उससे पहले थे, नो डाउट अबाउट दैट। तो आफ्टर ऑल जो इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है इस बात को लेके बहुत एक्साइटेड है कि चाइना अपने ग्लोबल रोल को कितना सीरियसली ले रहा है। इनफैक्ट चाइनीज प्रेसिडेंट ने तो कहा क्लियर कि वी शुड बी मोर एक्टिव इन ग्लोबल अफेयर्स, मतलब उसको अपने आप को शो तो करना ही पड़ेगा कि यस इट इज़ रेडी टू टेक द रोल विच प्रॉब्ली वॉज बींग डन बाई USA टिल नाउ। अब एक तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये पैदा होता है कि कैन चाइना रिप्लेस USA एज ए इंटरनेशनल मीडिएटर, दैट इज नंबर वन। मीन्स लिटरली ये है कि वो ग्लोबल सुपर पावर बनने के लिए है कि नहीं है, इज ही फिटिंग इन टू दैट रोल। और दूसरी बात, इसका एक सबसे बड़ा जो कॉन्टेक्स्ट आता है वो इस बात को आता है कि जो रसिया यूक्रेन का वॉर हो रहा है वो तो ठीक है, ग्राउंड पे कैजुअलिटीज हो रही हैं, मिलिट्री एक्शंस हो रहे हैं, बट ओवरऑल पर्पज लोगों को ये लगता है कि जो ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर है उसको चेंज करने का प्लान रूस और चाइना बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मिडिल ईस्ट एंड विद द हेल्प ऑफ नेशंस लाइक यू नो दैट अलायंस ब्रिक्स एंड ऑल दैट, इंडिया भी उसका एक पार्ट है। तो ये तो एक फैक्टर हो गया कि अमेरिका को क्या चीन रिप्लेस करने जा रहा है या फिर वो इस हालत में है कि उसको रिप्लेस कर सकता है। अब दूसरा जो फैक्टर ये है कि इज दिस एग्रीमेंट बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरबिया, इज इट ए वैलिड एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट टिकेगा अपनी जगह, दोनों के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस अगले 2 महीने के अंदर एस्टेब्लिश होने हैं, विल इट सस्टेन। तो सबसे पहले हम एड्रेस करते हैं कि सऊदी अरबिया और ईरान के रिलेशंस को लेके 2016 में ये रिलेशंस टूट गए थे, डिप्लोमेटिक रिलेशंस। और रीजन क्या था? रीजन ये था कि दोनों के USA के साथ टिल 1979 बड़े स्ट्रॉन्ग रिलेशंस थे। इनफैक्ट जो ईरान के जो शाह थे वो तो USA के बहुत ही क्लोज थे। उस जमाने में दो ही अलाई एक्चुअली स्ट्रॉन्ग अलाइज USA के थे, एक इजराइल और एक ईरान। सऊदी अरेबिया भी था, सऊदी अरेबिया वॉज नॉट दैट इम्पोर्टेंट ए प्लेयर एट दैट टाइम, इट वॉज ए प्लेयर बट नॉट दैट इम्पोर्टेंट प्लेयर। अब जब ईरान के अंदर इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ तो ईरान डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट क्लेम्ड द लीडरशिप ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड। अब इस्लामिक वर्ल्ड की जब आप बात करेंगे तो मक्का और मदीना में तो दोनों सऊदी अरबिया में, और सऊदी अरबिया उस रीजन की वजह से अपने आप को इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर कहता है। तो सडनली सऊदी अरबिया को यह समझ नहीं आया कि हाउ टू काउंटर दैट आर्ग्यूमेंट कि अभी ईरान जो है वो इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बन गया। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इस्लामिक वर्ल्ड को सिया और सुन्नी के नाम से डिवाइड किया, और उन्होंने कहा कि जो ईरान है वो बेसिकली सिया है, और जहां जहां सिया हैं ठीक है, इट्स ओके, इट हैज गॉट द इन्फ्लुएंस, बट मेजोरिटी इन द वर्ल्ड इज सुन्नी एंड मक्का मदीना आर विद अस, सो हु इज द लीडर? वी आर सपोज टू बी द लीडर ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, देखो सुन्नी मेजोरिटी में और मक्का मदीना सऊदी अरबिया में है, एंड दे हैव गॉट अ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट एज फार एज द मुस्लिम वर्ल्ड इज कंसर्न। तो उन्होंने ग्लोबली सिया सुन्नी डिवाइड एक क्रिएट किया, और दोनों के बीच में जो संबंध है धीरे धीरे करके खत्म हो गए। और अगर खत्म ना भी होते तो ईरान में जो रिवोल्यूशन हुआ है वो इन एनी केस अरब वर्ल्ड में तो उसने जाना ही था, बिकॉज जितने भी ये अरब वर्ल्ड हैं सबके अंदर इंटरनल टर्मोइल्स बहुत ज्यादा हैं, एक्सटर्नल प्रेशर तो है साथ में इंटरनल टर्मोइल्स भी बहुत ज्यादा हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम दे आर बेसिकली ट्राइबल्स। अब मिलिटरली दे हैव गॉट वेपन्स, सऊदी अरबिया फॉर एग्जाम्पल इट हैज गॉट लॉट ऑफ फाइनेंशियल मसल्स, वेपन्स भी बहुत हैं उनके पास, बट दे रियली डू नॉट हैव द रिलायबल मिलिट्री पावर, और उसके लिए उनको USA पे डिपेंड करना पड़ता है। और जितने भी मिडिल ईस्ट के नेशन हैं सबके यहाँ अगर आप देखो तो जो US का आपको मिलिट्री फुटप्रिंट मिलेगा, ईरान को छोड़ के कोई ना कोई या तो USA का बेस मिलेगा या फिर उसकी आर्मी का कोई कॉन्टिंजेंट मिलेगा।
that sort of situation is there. Or yeah, fair, in any case, like country like Egypt, jiske badhiya achhe khase hai, you know, relationship hai USA ke saath. Or yeah, fair, Israel hai, to Israel to in any case is with USA only. तो ईरान एक ऐसा कंट्री है जो बेसिकली अरब वर्ल्ड की एक तरह से आप देखो तो बिल्कुल आमने सामने खड़ा है, और 79 के बाद तो ईरान और यूएसए एक दूसरे के आमने सामने आए, सैंक्शंस ईरान के ऊपर लगे. सो ईरान वर्चुअली एक आइसोलेटेड सा कंट्री है. अब ठीक है, उसने रसिया, चाइना या फिर उसने नॉन स्टेट एक्टर्स ले लिए, कुछ हिजबुल्ला ले लिया, हाउथीज ले लिए यमन में, all those factors are there and it has got some support with them. अब जहां तक सऊदी अरबिया की बात है, तो सऊदी अरबिया की जो vulnerability है अगर आप देखो तो अच्छी खासी है. तो जहां तक business की बात है तो वो oil का business करता है, उस मामले में वो रशिया के साथ है. China को वो energy supply करता है, you know, अच्छा खासा exporter है वो China को as far as the oil is concerned. मिलिट्री सपोर्ट या अम्ब्रेला आप कह सकते हो, एक रिलेक्टेंट या इनडिफरेंट अम्ब्रेला आज की डेट में उसको यूएसए प्रोवाइड करता है. तो ये हुआ एक्चुअली सऊदी अरबिया का इशू. लेकिन साथ में धीरे धीरे करके जैसे ईरान अपनी मिलिट्री मसल्स को डेवलप कर रहा है, तो उसने अपनी एक्सपर्टाइज कहाँ पे की, ड्रोन में की और मिसाइल्स में की, और साथ में वो जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, हाउतीज या फिर हिजबुल्ला, ये जब ईरान के साथ आए तो जो ईरान की न्यूसेंस वैल्यू है अरब वर्ल्ड के लिए वो अच्छी खासी बढ़ गई. मार्च 22 में जो आर्मेको एक कंपनी है सऊदी अरबिया की, बड़ी फेमस ऑयल कंपनी है, बहुत बड़ी है, उसकी जो ऑयल फैसिलिटीज के ऊपर ड्रोन अटैक हुए, मिसाइल अटैक हुए और अच्छा खासा डैमेज हुआ. तो ऑब्वियसली कोई भी कंट्री ये चाहेगा कि जो भी उसका प्रोटेक्टर है वो उसको सपोर्ट करे, उसको प्रोटेक्ट करे. दे एक्सपेक्टेड यूएसए टू प्रोटेक्ट. अब यूएसए का जहां तक सवाल है कि जब से एमबीएस आए तो एक इनडिफरेंस सा हो रहा है, संबंध बहुत ज्यादा डिटोरिएट नहीं हुए सऊदी अरबिया के यूएसए के, लेकिन इनडिफरेंस एक डेफिनेटली आ चुका. और उस इनडिफरेंस की वजह से एज फार एज यूएसए इज कंसर्न, उसने कहा ईरान के साथ वो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आएगा ऑन दिस पर्टिकुलर इशू. तो नेचुरली जब ऐसी सिचुएशन हो जाती है, फिर सऊदी अरबिया को भी अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, तो उसने ऑब्वियसली कब तक वो यूएसए के साथ जाएगा, तो उसने कहा कि ठीक है बाकी चीजें यूएसए के साथ, सिक्योरिटी एंड अदर थिंग्स, बट दिस पर्टिकुलर इशू वी शुड टैकल विद ईरान, एंड दैट इज वाई यू सी दिस रीजन ऑफ एस्टेब्लिशिंग द डिप्लोमेटिक रिलेशंस. साथ में आप देखें, एक आपको मैं इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूं, जो अरब वर्ल्ड है, मैंने कहा इसकी वल्नरेबिलिटी बहुत ज्यादा है, दे हैव गॉट वेपन्स, एम्युनिशन भी होगा, फाइनेंशियल मसल भी होगा, लेकिन इनके पास स्ट्रॉन्ग मिलिट्री किसी के पास भी नहीं है. तो ईरान को तो वो डिप्लोमेटिकली यू नो न्यूट्रलाइज करना चाह रहे हैं, बट इन एनी केस जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, हाउतीज जिन्होंने अटैक किया था, उसको कैसे न्यूट्रलाइज करें, तो टेक्नोलॉजी कहां से लेंगे फिर वो, तो टेक्नोलॉजी के लिए वो फिर इसराइल के ऊपर डिपेंड करते हैं, यू नो, एंटी मिसाइल टेक्नोलॉजी, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी. द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू ड्राइव हेयर इज के आज के इस वर्ल्ड में जिस देश को जहां से भी सपोर्ट मिलता है वो उस सपोर्ट को लेने की कोशिश करता है. वो यूएसए के साथ भी डील करेगा, इसराइल के साथ भी डील करेगा, ईरान के साथ भी डील करेगा, और सबका यही हाल है. अब आप देखिए जो अब्राहम अकॉर्ड हुआ, उसमें यूएई, बहरीन दोनों ने इसराइल के साथ एग्रीमेंट किया. I2U2 में यूएसए के साथ यूएई का एग्रीमेंट है, इंडिया के साथ है, इसराइल के साथ है. सी द कॉम्प्लेक्सिटी. लेकिन सऊदी अरबिया अब्राहम अकॉर्ड का पार्ट नहीं बना, डेलिबरेटली नहीं बना, सो दैट यू नो इट कैन न्यूट्रलाइज दैट यू नो डिप्लोमेसी अगेंस्ट इट बाई कंट्रीज लाइक ईरान, के उसने जो फिलिस्तीनियन कॉज है उसको गिव अप कर दिया. तो दे वांट टू गिव दिस इंप्रेशन कि नहीं, हम फिलिस्तीनियों के भी साथ हैं, और साथ में वो इजराइल से सपोर्ट भी ले रहा है टेक्नोलॉजी के मामले में. तो ये तो एक सऊदी अरबिया का इशू हो गया. अब आप देखें दूसरा जो इशू है वो आता है फिर ईरान का. 1979 के बाद से जब वहां पे रिवोल्यूशन हुआ, तो उन्होंने क्लेम किया कि पूरी जो इस्लामिक वर्ल्ड की लीडरशिप है वो हमारे पास आनी चाहिए. अब ने चली ये बात तो सऊदी अरबिया को एक्सेप्टेबल नहीं थी, डिवाइड हो गया,
सैंक्शंस लगे, सैंक्शंस इतने ज़्यादा लगे कि जो ईरान की इकोनॉमी है वो क्रिपल्ड स्टेट में है। लेकिन इसके बावजूद भी चूँकि कंट्री ईरान की क्या खास बात है कि डिप्लोमेटिकली अपने आप को बहुत साउंड पाता है, दे आर वेरी गुड डिप्लोमेट्स, साथ में उन्होंने सैंक्शंस को काउंटर भी करने की कोशिश की और किया भी, और उसके अलावा उन्होंने रशिया के साथ और चाइना के साथ, साउथ कोरिया के साथ या फिर सीरिया के साथ या लेबनान के साथ या फिर यू नो नॉन स्टेट एक्टर्स हौतीज और हजबुल्ला, इन सबको कल्टीवेट करके अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग अलायंस के तौर पे डेवलप किया। साथ में उन्होंने ये भी लीडरशिप लेने की कोशिश की कि इसराइल को हम एक्सेप्ट नहीं करते और इसराइल को इस दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं है, बेसिक पर्पज इज टू क्लेम द लीडरशिप ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड। अब नेचुरली ये चीज़ तो इसराइल को या फिर यूएसए को और किसी भी जो सिविलाइज्ड स्टेट है उसको ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ईरान के पास यू नो चूंकि वो सैंक्शंस में है तो उसके पास ऑप्शन था, उसने चाइना के साथ इकोनॉमिक एग्रीमेंट किया और अगले 25 साल तक ये एग्रीमेंट आई थिंक इट इज़ अराउंड $400 बिलियन वर्थ, उसमें चाबहार भी है बाकी भी और कुछ है, तो ये सब तो यू नो चलता ही रहने वाला है। मगर साथ में उन्होंने एक काम और भी किया ईरान ने, उन्होंने रशिया के साथ अपने संबंध अच्छे खासे डेवलप किए। अब यूक्रेन वॉर में उनकी जो सप्लाई लाइन है ड्रोन्स की और मिसाइल्स की रशिया के साथ वो इंटैक्ट है एंड इफेक्टिव है। ये वेपन्स और जो मिसाइल्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी वाइज बड़े हाईटेक नहीं है, बट दे आर इफेक्टिव एंड दे आर हेल्पिंग रशिया। अब यहाँ पे एक जो इशू है वो ये है कि लेटेस्ट अभी एंथोनी ब्लिंकन ने, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो यूएसए के हैं, उन्होंने लेटेस्ट एक्चुअली एक चाइनीज कंपनी को सैंक्शन किया है जिसने ड्रोन्स के लिए ईरान को सपोर्ट किया है। तो इसमें किसी को भी कोई शक नहीं कि ईरान, चाइना और रशिया एक एक्सिस ये डेवलप हो रही है बेसिकली अगेंस्ट वेस्टर्न ब्लॉक। तो ईरान का तो ये एक इशू हो गया, सऊदी अरबिया का हमने डिस्कस कर लिया। अब आते हैं हम चाइना के पास। चाइना के पास यू नो दे आर वेरी कीन दैट दे शुड बिकम नंबर वन, और इसमें ये एग्रीमेंट करके तो काफ़ी लोग ये कहने कि उन्होंने ग्लोबल कू कर दिया। अल्टीमेटली जो एनालिस्ट हैं व्हाट दे आर सेइंग द एंटायर एफर्ट ऑफ चाइना एंड रशिया इज टू चेंज द ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर। बेसिकली आप कहें तो डी डॉलराइजेशन, मतलब इस एग्रीमेंट में अगर आप देखें चूंकि मिडिल ईस्ट के ऊपर चाइना की डिपेंडेंस है ऑयल के लिए, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी आपको स्लोली एंड स्लोली एक्सप्लोर होती नज़र आएगी कि चाइना जो अपना जो ट्रेड है वो युआन के थ्रू करेगा। तो ये जो डी डॉलराइजेशन है ये एक ऐसा स्टेप है जो यूएसए को किसी भी तरीके से पसंद नहीं आने वाला है, और उस हालत में जो लेटेस्ट मैंने आपसे बताया ना, एक चाइनीज कंपनी को उन्होंने सैंक्शन लगाए हैं अभी जिसने ड्रोन टेक्नोलॉजी ईरान को दी है या उसमें हेल्प की है। अब धीरे धीरे करके क्या होने वाला है, ये जो आप देख रहे हैं इंटरनेशनल ऑर्डर, ये ऑर्डर में आपको पोलराइजेशन मिलेगा, ऑलरेडी मिल रहा है। और एक कंट्री मैंने इसराइल की जैसे बात की, इसराइल को चूंकि एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट में अगर आप देखें तो वो किसी हालत में ये एक्सेप्ट नहीं करने वाला कि वो ईरान को ये अलाउ करे कि वो न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करेगा। जो लेटेस्ट रिपोर्ट है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की, उसमें ये है कि ऑलमोस्ट 83.7% तक यूरेनियम एनरिचमेंट ईरान कर रहा है और जो 90% उसको लेके आना है, तो ऑब्वियसली इट इज़ वेरी वेरी क्लोज। तो इसराइल के पास जो ऑप्शंस हैं बेसिकली, या तो फिर वो ग्राउंड अटैक, अब ग्राउंड अटैक में तो दोनों के बॉर्डर मिलते नहीं, तो ऑब्वियसली फिर जो मोसाद हैं और वो सब जो प्लेयर्स हैं वो एक्टिव हो जाएंगे ईरान के अंदर, और ईरान के अंदर ऐसे एलिमेंट्स हैं जो वहाँ के एस्टेब्लिशमेंट से या आयतुल्लाह से खुश नहीं हैं। कुर्दिश पॉपुलेशन भी है और भी पॉपुलेशन है जो बेसिकली इसराइल को इस काम के लिए हेल्प कर सकते हैं, ये काम उन्होंने पहले भी किया है। साथ में ये है कि एयर अटैक की पॉसिबिलिटी है। अब एयर अटैक जब आप करेंगे तो ट्विटर पे अगर आप देखो तो आपको मिल जाएगा कि लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है कि F-35 यूज होंगे, कौन कौन से रूट से जाएंगे। अब जब ईरान और सऊदी अरबिया का डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट हुआ है तो उस हालत में
विल सऊदी अरबिया अलाउ इसराइल टू यूज इट्स एयर स्पेस टू अटैक ईरान? ये $1 million क्वेश्चन है। एक दूसरा भी ऑप्शन है अजरबैजान के थ्रू, वो ऑप्शन भी वो एक्सप्लोर करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि लेटेस्ट अजरबैजान ने भी कहा है कि हम इस तरह की कोई भी जो सिचुएशन है वो अराइज नहीं होने देंगे, हम इसराइल को इस काम के लिए सपोर्ट नहीं करेंगे। और इंटरेस्टिंगली मैं आपको बता भी देता हूँ कि जो ईरान की अगर आप नॉर्दर्न साइड देखो तो अजरबैजान है, एंड अजरबैजान इज बेसिकली शिया कंट्री, लेकिन दोनों के जो संबंध हैं वो अच्छे नहीं हैं, मीन्स ईरान के और अजरबैजान के, जबकि इसराइल के अजरबैजान के साथ बड़े क्लोज रिलेशनशिप है। ये इंटरनेशनल पैराडॉक्स आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। अजरबैजान के संबंध आप देखो पाकिस्तान के साथ, इसराइल के साथ और तुर्की के साथ, तीनों के साथ बड़े अच्छे संबंध हैं, और जब आर्मेनिया के साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो तीनों ने उसको सपोर्ट किया। इंटरेस्टिंग बट ट्रू। तो इसराइल और ईरान की ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है ये चलता रहना पड़ेगा। अब जहां तक चाइना की बात है तो चाइना तो अपने आप को इन्होंने केस असर्ट करेगा ही। अब इसमें जो ओवरऑल सिचुएशन आप देखते हो उसमें आपको कंट्रीज लाइक इंडिया, अब हमें तो इंडिया का ही इंटरेस्ट देखना है, इंडिया का अरब नेशंस के साथ बड़े अच्छे संबंध है, यूएई के साथ स्पेसिफिकली वी हैव गॉट ट्रेड विच इज इंक्रीजिंग डे बाई डे। और यूएई का जो प्लान है वो प्लान क्या है? वो प्लान ये है कि मैन पावर और ह्यूमन रिसोर्सेज वो इंडिया से ले, टेक्नोलॉजी इजराइल से ले, और फाइनेंस खुद करके एक अपना जो नॉन ऑयल ट्रेड है उसको बढ़ाए। एंड मोर और लेस सऊदी अरेबिया भी बिल्कुल इसी फ्रीक्वेंसी पे चल रहा है। बट अब जो क्वेश्चन पैदा होता है जो कि कैन चाइना रिप्लेस यूएसए, चाइना का कहीं पे भी मिलिट्री फुटप्रिंट नहीं है, ऑयल ट्रेड के लिए उनके ऊपर मिडिल ईस्ट के ऊपर वो डिपेंडेंट है। सूनर और लेटर दिस सिचुएशन विल अराइज कि ऑल दीज कंट्रीज यू नो एज दिस वॉर यूक्रेन वॉर प्रोलॉन्ग्स, ये जितने भी मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं धीरे धीरे करके सबको एक पोजीशन लेनी पड़ेगी। और ईरान चूंकि रशिया और चाइना के साथ है तो चाइना ये जरूर चाहेगा कि किसी न किसी तरीके से ये जो मिडिल ईस्ट के नेशंस हैं ये इफ एट ऑल दे डू नॉट सपोर्ट रशिया, दे डू नॉट गो अगेंस्ट रशिया, दैट इज नंबर वन। एंड सेकेंडली कोई भी जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो यूएसए को इस तरीके से ना दें जैसे वो आज तक देते आए हैं। सो दैट इज द बेसिक पर्पज। बट ओवरऑल इफ यू सी विल दिस एग्रीमेंट सक्सीड, इट्स ए $1 million क्वेश्चन, बिकॉज इंटरनल कॉन्ट्रेडिक्शंस हर एक कंट्री के अंदर, ईरान के अंदर, सऊदी अरबिया के अंदर इतने ज्यादा हैं, और दोनों एक्चुअली एक दूसरे के अगेंस्ट में इतना इन्वेस्ट कर चुके, यू नो ग्लोबल लेवल पे सिया सुन्नी डिवाइड हर जगह उन्होंने एक दूसरे के अगेंस्ट में इन्वेस्ट किया है। और दूसरी एक बात और भी है, ईरान चाह कर भी इवन इफ इट वांट्स इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर इट टू रेन इन हाउतीज और हिज़्बुल्लाह एंड ऑल दोज एलिमेंट्स, दे आर बेसिकली यू नो एंटी सऊदी अरबिया। और साथ में सऊदी अरब के लिए भी ये पॉसिबल नहीं है कि जो यमन में जो उसका मिलिट्री एक्शन चल रहा है उसको वो लिमिट करे या उसको रोके, दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट इतना ज़्यादा हो चुका दोनों का एक दूसरे के अगेंस्ट में कि दिस एग्रीमेंट इज वेरी वेरी अनलाइकली दैट इट विल स्टैंड। जहाँ तक इंडिया की बात है, वी ओट टू मेंटेन गुड रिलेशनशिप्स विद मिडिल ईस्ट नेशंस एंड वी आर डूइंग दैट, दिस एस्टेब्लिशमेंट, दिस फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर एंड अवर पॉलिटिकल लीडरशिप इज क्वाइट क्लूड अप। बट हाँ, वी हैव टू कीप ए वॉच ऑन चाइना, बिकॉज चाइना इस तरह के जो साइलेंट एग्रीमेंट, बिकॉज दिस इज वर्चुअली ए कू जिसका किसी को कोई अंदाजा नहीं था, दैट इज ऑल टूगेदर ए डिफरेंट इशू कि इसमें कॉन्ट्रडिक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। I hope you liked this narration. Thank you so much. I will see you in next video. Thank you.